बड़ा सवाल ये है कि युवराज सिंह को विराट कोहली की कप्तानी में सबसे कम खेलते हुए देखा गया है भारतीय टीम में, और साथ ही साथ बड़े सवाल ये भी उठे कि क्या विराट कोहली द्वारा ही युवराज सिंह को टीम से बाहर किया गया। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। दरअसल ये सवाल फिर से तब उठे जब हाल ही में युवराज सिंह द्वारा ट्रॉल किया गया है विराट कोहली को। विराट कोहली ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें हरभजन को टैग करते हुए युवराज सिंह ने ट्रॉल किया है विराट कोहली को। विराट कोहली जो कि अब कप्तान है और साथ ही साथ वर्ल्ड कप 2019 की टीम को भी वही संभालते हुए नजर आएंगे, वो कप्तान है और रोहित शर्मा उप कप्तान है वर्ल्ड कप 2019 में। बड़ी खबर यह है कि युवराज सिंह इस टीम में नहीं है। 15 खिलाड़ियों की जो लिस्ट 15 अप्रैल को जारी की गई थी, उस लिस्ट में युवराज सिंह का नाम सामने नहीं आया। इसी बीच विश्व कप को लेकर जहां कहा गया था कि भाई विराट कोहली ने जो है युवराज सिंह जैसे कई सारे अच्छे बल्लेबाजों से काफी कुछ सीखा है, तो वहीं कई सारे बल्लेबाजों से, कई सारे सीनियरों से काफी कुछ विराट कोहली ने सीखा है। इसी बीच युवराज और विराट की एक अलग ही दोस्ती अब देखी जा रही है। ये किस तरह की दोस्ती है, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए रूबरू कराते हैं। विराट कोहली मौजूदा समय में टीम इंडिया के कप्तान है, और एक समय ऐसा भी था जब विराट कोहली भारतीय टीम में सबसे ज्यादा युवा खिलाड़ी थे। उस दौरान उन्होंने युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों से काफी कुछ सीखा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने कई बार मिलकर टीम इंडिया को जीत भी दिलाई है। हालांकि युवराज सिंह विराट कोहली की कप्तानी में ज्यादा मैच नहीं खेल पाए हैं, लेकिन अब युवराज सिंह ने विराट कोहली को ट्रॉल करने का प्रयास भी किया है। दरअसल शुक्रवार को कप्तान विराट कोहली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कैप्शन के साथ एक फोटो पोस्ट की थी जिसको लेकर उनके सीनियर्स ने उन्हें जमकर ट्रॉल कर दिया। विराट कोहली ने अपनी एक सेल्फी पोस्ट करते हुए फोटो के साथ लिखा, फ्लैशबैक फ्राइडे हैशटैग, आप क्या आप लोग इस शहर को पहचान सकते हैं? विराट की इस तस्वीर में ये शहर भारत का नहीं है। बावजूद इसके युवराज ने एक बेहद ही ज्यादा मजेदार कमेंट किया। बता दें कि युवराज सिंह ने अपने कमेंट में भज्जी को टैग करते हुए लिखा, ये कोटकपुरा लग रहा है, हरभजन सिंह क्या सोचते हो? बता दें आप सभी को, कोटकपुरा शहर पंजाब का ऐतिहासिक शहर है। साल 2018-2019 का सीजन बतौर भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिए काफी अच्छा गया है, लेकिन विराट अपनी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आईपीएल के 12वें सीजन में प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंचा पाए थे। आरसीबी 14 में से सिर्फ 5 मैच जीतकर 8वें स्थान पर रही। इस खराब आईपीएल सीजन के बाद विराट कोहली इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की लीड करेंगे। बतौर कप्तान विराट का ये पहला वर्ल्ड कप है, तो वहीं आपको ये बताते चले कि एक खिलाड़ी के तौर पर विराट कोहली तीसरी बार इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच साउथ अफ्रीका से 5 जून को होना है। आपको ये बता दें कि जिस तरह से युवराज सिंह द्वारा ट्रॉल किया गया है विराट कोहली को, तो वहीं ये लगातार वायरल हो रहा है हर जगह, और साथ ही साथ जहां कुछ फैंस का ये भी कहना है कि भाई युवराज सिंह को बाहर करने में विराट कोहली का भी बड़ा हाथ रहा है, तो भाई अब युवराज सिंह ने खुद ही विराट कोहली को जबरदस्त ट्रॉल किया है। दोस्ती दोस्ती में एक दूसरे का मजाक उड़ाना तो आम बात है, इसी तरह का मजाक हाल ही में युवराज सिंह भी विराट कोहली का उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फैंस की राय मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर फैंस की राय ये है कि विराट कोहली की वजह से बाहर हुए हैं युवराज सिंह विश्व कप से, ऐसा फैंस का कहना है। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि फैसला था ये चयनकर्ताओं का, और साथ ही चयनकर्ता द्वारा युवराज सिंह को बाहर रखना उन्हीं का फैसला था। इसी बीच आपको ये बताना चाहेंगे कि जहां अभी तक युवराज सिंह के आने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी विश्व कप 2019 में, तो वहीं अभी तक भी कोई भी ऐलान नहीं किया गया है कि युवराज सिंह दोबारा टीम में आ सकते हैं।
नंबर 4 की परेशानी और बड़ी परेशानी। इस परेशानी से जहां लगातार जूझ रही थी टीम इंडिया, तो वहीं अभी हाल ही में आए कुछ नए स्टेटमेंट्स की अगर बात की जाए और साथ ही साथ बात की जाए कुछ अन्य खिलाड़ियों के स्टेटमेंट्स की, तो स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह के वाले रहे हैं कि नंबर 4 पर अब कई सारे खिलाड़ियों के चयन के बाद एक नाम पर वो आकर रुके हैं और वो नाम है केएल राहुल। केएल राहुल जो है नंबर 4 की पोजीशन को संभाल सकते हैं, इस तरह की खबर वायरल रही है। खैर अब देखते हैं कि आखिरकार नंबर 4 की पोजीशन पर कौन खेलता है, क्योंकि नंबर 4 की पोजीशन पर फैंस तो युवराज सिंह को खेलते हुए देखना चाहते थे। इसी बीच किस तरीके से युवराज सिंह ने जो है ट्रॉल किया है विराट कोहली को, ये आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा होगा और कौन सी फोटो थी वो आपने वो भी देखी होगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स के साथ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।